है उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की संयुक्त कार्रवाई। बांसवाड़ा में तैनात जलदाय विभाग के एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया है। 1,12,000 की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है और ये साझा संयुक्त कार्रवाई की गई है उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की ओर से। बांसवाड़ा में तैनात जलदाय विभाग के एक्सीएन तथा एएन को ट्रैप किया गया है। एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 1,12,000 रुपए की राशि लेते हुए, रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है। उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की संयुक्त कार्रवाई, जैसे सूचना मिली उसके बाद में सत्यापन उसका किया गया। सत्यापन में ठीक पाए जाने पर इस ट्रैप की कार्रवाई को रचा गया। इस ट्रैप की कार्रवाई के अंतर्गत एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया है। बांसवाड़ा में ये तैनात थे जलदाय विभाग के एक्सीएन और एएन को 1,12,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप किया गया है। ये साझा कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई उदयपुर और बांसवाड़ा के एसीबी की संयुक्त कार्रवाई। तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की संयुक्त कार्रवाई रही है। बांसवाड़ा में तैनात जलदाय विभाग के एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया है। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, साझा कार्रवाई की है उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने, क्या ये पूरी कार्रवाई रही, किस तरह से इस ट्रैप को रचा गया? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कार्रवाई है। उदयपुर एसीबी की टीम इसमें शामिल है और साथ ही साथ बांसवाड़ा की एसीबी की टीम, दोनों शामिल हैं जी। और जलदाय विभाग के एक्सीएन एएन को 1,12,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते ट्रैप किया गया है। और संभवतः बिलों के भुगतान में कमीशन के एवज में राशि मांगी जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में और जो डिटेल्स आएंगी एसीबी के अधिकारी डिटेल्स साझा करेंगे, उसके बाद में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या वजह है रिश्वत लेने की। लेकिन प्राइमा फेसी एसीबी की जो टीमें हैं वो जो दोनों एक्सीएन और एएन जिनको ट्रैप किया है जी, उनके घरों का सर्च कर रही हैं और इसके बाद में और तमाम जो और जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी देर बाद और आ जाएंगी जी। रवि, परिवादे की ओर से शिकायत क्या दर्ज की गई थी और सत्यापन कैसे किया गया? क्या पहले भी इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं या फिर पहले ही कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए जयती, अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही ये कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है। तो ऐसे में सबसे पहले एसीबी की टीम जो है, उन दोनों जो एक्सीएन और एएन है जलदाय विभाग के हैं, इनके हाउस सर्च कर रही है और इसके बाद में और थोड़ी डिटेल्स जो है वो थोड़ी देर बाद एसीबी के अधिकारी साझा करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमारे पास जानकारी आई उसमें 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने की पुष्टि हुई है और इसके बाद में एसीबी ने अग्रिम अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर और बांसवाड़ा एसीबी की संयुक्त कार्रवाई की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा में तैनात जलदाय विभाग के एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया है। 1,12,000 की रिश्वत राशि के साथ में ट्रैप किया है। और देखिए, लगातार घूसखोरों और घूसखोरी के विरुद्ध एसीबी नकेल कसे हुए है। लगातार बड़ी कार्रवाइयां जारी है। इस कार्रवाई के अंतर्गत जलदाय विभाग में कार्यरत एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया, साथ ही साथ 1,12,000 रुपए की राशि भी रंगे हाथों जब्त की है।